वेलकम टू एवरीडे ऐसा। आवर सब्सक्रिप्शन इज फ्री, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड अलर्ट एंड गेट एवरी सिंगल अलर्ट एंड स्टे टुगेदर विद माय बर्ड्स। यू आर वाचिंग ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स ब्रीडिंग। ओके व्यूअर्स, जिस तरह आप जानते हैं कि जून जुलाई का वेदर स्टार्ट हो चुका है और जून जुलाई के वेदर में नॉर्मल ब्रीड से या कोई और स्पेसिफिक ब्रीड से, मतलब ब्रीड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। होप आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू गाइस एनी मोर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा स्पेसिफिक ब्रीड है, ठीक है। अभी रिसेंटली ये मेरा कोई पांचवा छठा ब्रीड कर रहा है मेरे पास, ठीक है। और रहा मसला, ये बहुत ज़बरदस्त पेयर है, 4 से 5 बच्चे निकालता है। और अभी रिसेंटली 2-2.5 महीने पहले इसका मैंने जगह चेंज करा है और फिर ये दूसरी जगह है, तो यहाँ पे भी देखें माशाल्लाह रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है। और जिनके बजीज ब्रीड नहीं करते हैं, उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो काइंडली अपनी फीड चेंज करें, अपनी जगह चेंज करें। हो सकता है कि उन लोगों को जगह का प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर आप जो फीड बर्ड्स मिक्स सीड्स आप दे रहे हैं उनको, वो शायद उसको सूट नहीं कर रहा हो, या आप अगर कॉलोनी वाला पर्पस चला रहे हैं, अगर अपने सारे बर्ड्स अपने एक ही जगह कॉलोनी में मर्ज किए हैं, तो आप देखें कि कौन सा एक दूसरे से बॉन्ड कर रहा है, तो उसको आप एक दूसरे के साथ सेट करें इस तरह। अरे भाई, आप तो सारे सीक्रेट्स ले लेंगे। हमें लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल अलर्ट्स को भी प्रेस करिए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिल जाएं। थैंक यू। दिस इज़ आ लिटिल एडवाइस अबाउट हाउ टू ब्रीड बजीज। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्रीडर, बट दीज ट्रिक्स have been useful so far, at least for me. I hope it is useful for some of you, and subscribe to my channel. Kindly note that breeding budgies or any kind of animals will bring new lives that will require food, attention, space and love. Make sure you can provide them all of this before you start thinking about breeding.
yesterday which has gone, tomorrow which you may not see, today so act and stay together with my words. Thank you.